मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आइए हम एक रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव की कहानी से शुरू करते हैं। जब वे तत्वों के वर्गीकरण पर काम कर रहे थे, उन्होंने पाया कि समान गुणधर्मों वाले तत्व नियमित अंतराल पर होते हैं। इस अवलोकन के आधार पर मेंडलीव ने 1869 में एक आवर्त सिद्धांत पीरियोडिक लॉ बनाया। उन्होंने ये आवर्त सिद्धांत पीरियोडिक लॉ कैसे बनाया? रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्रॉइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। ये भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 6 पीरियड क्षैतिज पंक्तियां और 8 ग्रुप ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। 8 समूहों में से पहले 7 समूह सामान्य तत्वों नॉर्मल एलिमेंट्स के हैं और 8वां समूह संक्रमण तत्वों ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। उस समय नोबल गैसों का पता नहीं चला, इसलिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में नोबल गैसों का कोई समूह नहीं था। आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह के तत्व कई गुणों में एक दूसरे के समान हैं। तत्वों के गुण समान अंतराल पर दोहराए जाते हैं। अब हम इस प्रकार के वर्गीकरण की दो मुख्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे। एक, अधिकतम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दो, तत्वों के समूह में समान गुणधर्म होते हैं। अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। इससे कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया गया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़ता पूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में उससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका संस्कृत शब्द उपसर्ग लगाकर किया, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्युमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को इस सारणी में सूचीबद्ध किया गया। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण
रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियॉन एवं आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेटलिस की आवर्त सारणी की एक विशेषता ये भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। आइए अब हम मेंडलिस के वर्गीकरण की सीमाओं पर चर्चा करें। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है, जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्वि परमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सह संयोजक यौगिक बनाता है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलिस की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। वो अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। मेंडलिस के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलिस के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सन 1913 में हेनरी मोसले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या जेड अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलिस की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलिस की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है। आइए अब हम आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें समूह ग्रुप्स कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त पीरियड्स कहा जाता है। आवर्त सारणी के लंबे रूप में 7 आवर्त पीरियड्स हैं। एक आवर्त में तत्वों की परमाणु संख्या लगातार होती है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं और इसे बहुत छोटी आवर्त
वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और इन्हें छोटे आवर्त शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और इन्हें लंबे आवर्त लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं और इन्हें बहुत लंबे आवर्त वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। इसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² 2n^2 पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। जैसे K कोश प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, L कोश दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे चौथे पांचवे छठवे एवं सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः 8, 18, 18, 32 और 32 होती है। इसका कारण आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी के लंबे रूप में 18 समूह हैं। इनकी संख्या 1 से 18 है। समूह 1 आवर्त सारणी के बाईं ओर है, जबकि 18 तालिका के चरम दाईं ओर है। समूहों में तत्वों की लगातार परमाणु संख्या नहीं होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम एक एक करके संयोजकता, परमाणु साइज, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले संयोजकता प्रवृत्ति से शुरुआत करते हैं। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है और इसलिए इन संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उनकी संयोजकता पाई जा सकती है। इसलिए प्रत्येक छोटे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाती है और फिर घटकर 0 हो जाती है। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। अब समूह में तत्वों की संयोजकता के बारे में बात करते हैं। आवर्त सारणी के एक समूह के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है। उदाहरण के लिए आवर्त सारणी के समूह 1 के सभी तत्व जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के प्रत्येक परमाणु में 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 1 के तत्वों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के परमाणुओं में 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए उनकी संयोजकता 1 होती है। समूह 2 के सभी तत्वों में 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए उनकी संयोजकता 2 होती है। समूह 13 की संयोजकता 3 है। समूह 15 की संयोजकता 3 है। समूह 17 की संयोजकता 1 है। आइए अब एक आवर्त में विभिन्न परमाणुओं के साइज के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का साइज घटता जाता है। जैसे ही हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, जिसका अर्थ है कि परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या
बढ़ती जाती है। नाभिक पर बड़े धनात्मक आवेश के कारण इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के अधिक निकट खींचा जाता है और परमाणु का आकार घट जाता है। इस प्रकार किसी भी आवर्त में चार धातु परमाणु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि आकार में सबसे बड़े हैं, जबकि हैलोजन परमाणु जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि आकार में सबसे छोटे हैं। अब समूहों में तत्वों के परमाणु साइज पर चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, इसलिए सबसे छोटा परमाणु साइज का समूह के शीर्ष पर पाया जाएगा, जबकि सबसे बड़ा परमाणु साइज समूह के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। आइए देखते हैं इस प्रवृत्ति की वजह क्या है। जब हम आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का एक नया कोश हर कदम पर परमाणुओं में जोड़ा जाता है। इस तरह परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के कोशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु का साइज भी बढ़ता है। अब हम पहले एक आवर्त में धातु एवं अधात्विक प्रवृत्ति पर चर्चा करेंगे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुणधर्म कम हो जाता है और साथ ही साथ अधात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है। आवर्त सारणी के बाईं ओर हमारे पास धातु हैं और दाईं ओर हमारे पास अधातु हैं। धातुओं और अधातुओं के बीच में कुछ तत्व होते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाते हैं जो धातुओं को अधातुओं से अलग करते हैं। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु मेटलॉइड कहते हैं। आबंध बनाते समय धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, अर्थात वे प्रकृति में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। दूसरी ओर अधातु इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं। वे इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके आबंध बनाते हैं। आइए अब समूहों में धातु और अधात्विक प्रवृत्ति पर चर्चा करते हैं। आवर्त सारणी के एक समूह में नीचे जाने पर तत्वों में धातु प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए जब हम समूह एक में नीचे जाते हैं तो धातु प्रवृत्ति लिथियम से फ्रेनेशियम तक बढ़ती जाती है। इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं।